Yes, everyone, very good evening and very warm welcome. Welcome back. Welcome to Unacademy Live. How are you, everyone? Very, very good evening. Morning mein aaj hamara ek session tha, and again, this is another session, practice session on biomembrane. जिसमें हम प्रैक्टिस के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें रिवीजन भी करने वाले हैं, रिवाइज भी करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ. माई वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज कंफर्म मी वंस. यस, आयुष, सिंपी, रिदम, मैम्पी, ज्योति, देवकृष्णा, आई एम परफेक्टली फाइन. वॉट अबाउट यू गाइज? आप सभी कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन. माई वॉइस, audio, video, everything is okay? Good evening, good evening, good evening all of you. Okay, chaliye, okay, it's okay, all okay. So guys, biomembrane, aaj humne morning mein kaafi kuch discuss kiya tha uske regarding. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूनिट नंबर टू को कंसिडर कर रहे हो तो. अब आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसमें से पूछे जाते हैं. हम सॉल्व करेंगे मिलके, काफ़ी कुछ याद करेंगे, लर्न भी करेंगे साथ साथ, सो दैट एक प्रॉपर एनालिसिस हो सके. बिफोर दैट, आपको आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं. सिर्फ आपको वहाँ नेहा तनेजा टाइप करना है. Afterwards, you will be able to see my profile pic and you can follow me. Unacademy पर भी बहुत सारी मेरी free classes आने वाली हैं. Again, everyone, आप देख सकते हैं. And ये सारा का सारा schedule है जो आपको Unacademy learning app पर या website पर मेरे courses में मिल जाएगा. नेहा तनेजा special class में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको class पर click करना है, timings और date देखनी है एंड नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है, यानी कि एनरोल कर लेना है क्लास के लिए. अगर आप चाहे तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां डिटेल में मैं ये 8 यूनिट्स कवर करा रही हूं फॉर अपकमिंग सीएसआईआर नेट एग्जाम. सेल बायो, मोल बायो, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड टेक्निक्स, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेशंस, सो दैट अगेन चीज़ आपने पढ़ी है आप रिलेट कर सकते. अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो होपफुली आप लोगों को पता है. प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, वॉच कर सकते हो ऑफलाइन. एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे एजुकेटर्स की क्लास का एक्सेस मिल जाता है. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तक अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है. ये सारे प्लान्स हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का. जो भी आपकी नीड है आप देख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप फी पे करके एनरोल हो सकते हो प्लस कोर्सेज में. एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो नेहा, ताकि 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिल जाए. आप मुझसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो भी आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. वॉल्यूम इज लो, इज दैट सो? माई वॉइस इज नॉट प्रॉपर? आई गेस इट्स प्रॉपर. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. वॉल्यूम इज वेरी लो, इज दैट सो? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरे यहां से वॉल्यूम एकदम फुल है. बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ पा रही आपको, इज दैट सो? नो वॉल्यूम एट ऑल? थोड़ा वॉल्यूम कम है आई गेस. आप मैनेज कर लें तो होपफुली सही है, बिकॉज अभी मैं अगर टेक्निकल एरर को रेक्टिफाई करूंगी तो क्लास रह जाएगी. चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं थोड़ा सा तेज और बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ओके, चलिए. ओके बिस्वा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू, मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर, आई विल रेक्टिफाई इट लेटर ऑन. बट अगर अभी आप लोग वो एडजस्ट कर पा रहे हैं
तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. चलिए शुरू करते हैं क्लास को. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जो बायो मेम्ब्रेन पार्ट से लिंक है. प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को देखिए एंड सॉल्व करना शुरू कीजिए. प्लीज आंसर दीजिए सभी के सभी. ओके, आज सुबह ही हमने ये डिस्कस किया है एंड सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन हालांकि सेक्शन बी का है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को. लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन कैन बी फॉलोड एंड डिफ्यूजन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट टेक्निक. आपको पता है कि अगर आप बात कर रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जहाँ पर लिपिड्स है, लिपिड्स की बायलेयर है, राइट, एंड अगेन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, आदर इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन. हमें पता है दे आर नॉट स्टैटिक और दे आर नॉट वेरी रिजिड, मूवमेंट वो शो करते हैं. तो जो मूवमेंट है लेटरल डिफ्यूजन, मतलब साइडवेज जो मूवमेंट है वो, एंड उसका रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो आपको बताना है. एंड करेक्ट आंसर इज रैप, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, बिकॉज स्पेसिफिकली ये एक टेक्निक है मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, राइट. दो नंबर आप लोग ऐड कीजिए, लास्ट में हम मार्क्स को भी कैलकुलेट करेंगे एंड देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आज सुबह ही हमने इसकी बात की है. फ्रैक लेटरल डिफ्यूजन मतलब साइडवेज मूवमेंट, एंड ये क्यों हो रहा है वो भी आपको पता है. Might be that protein is taking part in the protein interaction with other proteins that is required to maintain the complete functioning of the cell. Cell की physiology के लिए हो सकता है अगर protein ऐसे movement show कर रहा है तो वो किसी और protein के साथ या किसी और moiety के साथ interact कर रहा हो ताकि cell की physiology या cell के processes maintain रहे. जिनका आंसर 4 था 2 मार्क्स ऐड करें अपनी कॉपी में, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन सी. ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग पढ़िए एंड आंसर कीजिए. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपको बतानी है तो ध्यान से आपको देखना है. कि अपने अपने आंसर दीजिएगा, किसी और का देखकर आंसर देने का कोई फायदा नहीं है. ओके, एनीवन एल्स जो आंसर देगा इसका. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन. क्वेश्चन है, बोथ स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड आर फॉस्फोलिपिड्स. आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन है, तीन मेजर चीजें वहां प्रेजेंट है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. लिपिड्स में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स, फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लिसरोलिपिड्स है, स्टेरॉइड्स है, देर आर वेराइटी. इसमें फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा अबंडेंट है. बोल रहा है स्फिंगोमाइलिन, जहाँ पर स्फिंगो एज एन अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड फॉस्फोग्लिसराइड, ये दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं. इसमें से इनके रिगार्डिंग क्या चीज इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. सबसे पहली स्टेटमेंट है, वन हैज फैटी एसिड टेल अटैच्ड वाया एन एस्टर बॉन्ड, इन अनदर
फैटी एसिड टेल इज अटैच्ड वाया एन अमाइड बॉन्ड. बिल्कुल सही है. स्फिंगोमाइलिन में आप देखोगे कि अगेन जो है अमाइड बॉन्ड है. फॉस्फोग्लिसराइड में आप देख रहे हो कि एस्टर बॉन्ड की प्रेजेंस है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि दोनों की जो हाइड्रोफोबिसिटी है, आप किसी भी लिपिड की बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि बीच का जो कोर है फैटी एसिड टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉन पोलर पार्ट को, जबकि हेड ग्रुप में फॉस्फेट की वजह से चार्ज प्रेजेंट है वो पोलर या हाइड्रोफिलिसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. सुबह ही हमने ये चीज़ भी देखी है. अब लास्ट है ऑप्शन बोथ मे है. इट्स नॉट नेसेसरी कि होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे अदर अदर ग्रुप मॉइटीज ऐड होती चली जाएंगी नाम बदलता चला जाता है. फॉस्फाटाइडाइलकोलीन, इथेनॉल अमीन, सीरीन. सुबह ए सिमेट्री में भी हमने इसकी बात की थी. तो डेफिनेटली कोलीन एज एन हेड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ये बात भी सही है. लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट थी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही यहाँ फाइंड करनी है कि वन ऑफ देम मे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जबकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे आप देखोगे दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्फिंगोमाइलिन में भी फॉस्फोग्लिसराइड में भी. तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी. एंड देखिए यहाँ से आप लोग एक टिप लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पर सर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपका एनालिसिस हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ चीज़ें सीखे भी सही. अब देखिए एक पार्ट होता है स्ट्रक्चरल पार्ट, यानी कि हमें केमिकल स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है. आप इनफैक्ट यूनिट नंबर वन लोगे उसमें आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने पड़ते हैं. या बायोमोलिक्यूल्स में आप पीछे पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं अलग अलग टाइप के, है ना, वाइटामिन्स हैं. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैम इनके स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं. अब देखिए अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो क्वेश्चन आपका कोई जो है डिटेल्ड या फिर आपका जो है डिस्क्रिप्टिव तो क्वेश्चंस आने ही रहे हैं. सीबीटी पैटर्न है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको बोलेगा कि भैया स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, ऐसा नहीं. लेकिन एक्चुअली जो एक कार्बन स्केलेटन फॉर्म होता है, आप समझ रहे हो, मैं यूँ नहीं कह रही कि ग्रुपिंग पूरा याद करो, लेकिन एक स्केलेटन फॉर्म होता है वो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए. कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का, अमाइनो एसिड का भी जो यूनिट नंबर वन में आप पढ़ते हैं. क्योंकि अगर आपको अंदाज़ा है कि इस चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, आर चेन कैसी है, कौन कौन से स्पेशल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका क्वेश्चन टैकल करना ईजी हो जाता है. अब आप यहीं देख लो, चार नंबर का क्वेश्चन था, चार नंबर का सेक्शन सी का क्वेश्चन. ऐसे ही चार चार नंबर ऐड होते रहें तो आप 100 क्रॉस 100 तक पहुंच जाओगे. 100 का ही होता है सेक्शन सी, एंड आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा 30 मार्क्स या 20 मार्क्स लाने के लिए फ्रॉम सेक्शन बी. एंड इतना हो जाएगा तो पता नहीं कितनी अच्छी रैंक आ जाएगी. इस बार तो कट ऑफ वैसे ही 107 गई थी. आप यहाँ देख रहे हैं आपको अंदाज़ा है डबल बॉन्ड का भी, क्लियरली आपके हाथ में चार नंबर है. तो मैं इस क्वेश्चन के साथ ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई ऐसा पार्ट देख रहे हो यहाँ जहाँ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हम जो देखते हैं, जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी में हॉर्मोन्स के बारे में देखते हो, साइकिल्स में देखते हो स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर वन में देखते हो, यूनिट नंबर टू में देखते हो, इसका एटलीस्ट एक कार्बन स्केलेटन फॉर्म अपने दिमाग में रखो, उसको देखो कि वो कैसा स्ट्रक्चर है, हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. चलिए चार नंबर ऐड कीजिए अगर आपका आंसर सही था, अदरवाइज वन मार्क डिडक्ट कर लीजिए. ऑनेस्टली लास्ट में मार्क्स कैलकुलेट करेंगे अगर आपने गलत किया है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ. देखिए स्फिंगोमाइलिन, सुबह भी इसका जिक्र हुआ था, इज अ टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड. मैंने आपको बोला जहाँ पर भी ये अमाइनो बैकबोन प्रेजेंट होगी, स्फिंगो एल्कोहल प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम स्फिंगो एंड बाद में जो भी नाम होता है उस नाम से दर्शाते हैं, ठीक है, या बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं. एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है, एंड स्पेसिफिकली इसका कंटेंट हाई है नर्व सेल. आई होप सो माइलिन यहाँ पर क्या है सबको पता है, न्यूरॉन्स है, उसके एक्सॉन पर के ऊपर जो कवरिंग है वो माइलिन की कवरिंग होती है, ठीक है, ताकि फास्ट कंडक्शन हो सके. दूसरा इसमें जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का जिक्र हुआ है वो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है. आज सुबह हमने फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें भी ग्लिसरॉल ग्रुप ही अटैच था.
they are two major constituents of membrane and membrane being bilayer ke liye ki bhai bilayer hai kis tarike se upar ek is tarike se layer present hai niche bhi is tarike se layer present hai aisi layer kyu present hai ye bhi humne subah zikr kiya tha ki cell ki need hai bahar bhi liquid environment andar bhi interactions hone zaruri right dono ke paas non polar fatty acid chains hai jo beech mein hydrophobicity contribute kar rahi hai ek phosphate group hai एंड अगर आप स्पिंगो ग्रुप देख रहे हो तो पोलर अमाइनो एल्कोहल भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप चाहो तो अपनी कॉपी में या नोट्स में जहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो साथ में उसका स्ट्रक्चर भी ज़रूर ड्रॉ करना क्योंकि ये फेवरेट है जो CSIR पूछता रहता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी प्लीज़ हैव अ लुक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन रिक्वेस्ट आप लोगों ने सुबह ये चीज़ें पढ़ी हैं प्लीज़ अपने अपने आंसर देना नहीं तो सेशन अटेंड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं अगर आप दूसरे बच्चों के देखकर आंसर दे रहे हो या हिंट ले रहे हो मैं तो कहूँगी चैट बॉक्स से छिपा दो क्वेश्चन को देखो अपनी कॉपी में आंसर लिखो फिर चैट बॉक्स में एंटर करो ताकि एक ऑनेस्ट आंसर आपका जाए और अपना खुद सेल्फ एनालिसिस प्रॉपरली हो ओके कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं एनीवन एल्स जो आंसर देना चाहता है प्लीज़ दीजिए ओके आई गेस मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स ने अपने आंसर दे दिए हैं डीकोड करते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन है अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 7 अल्फा हेलिसेस विद ईच हेलिक्स कंटेनिंग 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज बोल रहा है कि एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है ये हमारी मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं सुबह ही उसके बारे में भी जिक्र हुआ है इंटीग्रल पेरिफेरल या फिर लिपिड लिंक्ड प्रोटीन मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है जहाँ पर 7 अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट है ठीक है अब आप देख रहे हो जब भी एक चीज़ क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को चाहे वो इंटीग्रल प्रोटीन हो या कुछ भी हो स्पेसिफिकली इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं वहाँ पर उस प्रोटीन में हाइड्रोफोबिसिटी को फॉलो करने वाली चीज़ ज़रूर होनी चाहिए है ना आप लोग मानते हो जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप क्या पढ़ते हो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हो सेकेंडरी पढ़ते हो सुपर सेकेंडरी पढ़ते हो टर्शियरी पढ़ते हो एंड फाइनली क्वार्टनरी पर आते हो सेकेंडरी में आप स्पेसिफिकली दो टाइप देखते हो एक तो आप हेलिक्स देखते हो एक शीट देखते हो आपको अच्छे से पता है कि अगर हाइड्रोफोबिसिटी प्रेजेंट है प्रोटीन है अमाइनो एसिड का बना है अमाइनो एसिड में भी कुछ प्रोटीन अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं यूजली जो चीज़ क्रॉस करती है वो अल्फा हेलिसिस या बीटा शीट या बीटा बैरल्स की बनी होती है क्योंकि वहाँ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं मालिक शॉर्ट फॉर्म में बताया था MALE के या अमाइनो एसिड्स हेलिक्स में प्रेजेंट अब यहाँ पर देख रहा है बोल रहा है कि 7 अल्फा हेलिसिस प्रेजेंट है एंड हर एक हेलिक्स के पास जो है वो 19 जो है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है वो प्रेजेंट ठीक है 19 जो रेसिड्यूज हैं वो प्रेजेंट है इस तरीके से 7 टाइम्स हम देख रहे हैं कि अल्फा हेलिक्स वाला रीजन जो है वो प्रेजेंट है एंड ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है अब आप क्या देख रहे हो व्हाइल ट्रीटिंग द मेम्ब्रेन विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीजेस प्रोटीजेस क्या करती हैं एंजाइम है प्रोटीन को क्लीव करती है प्रोटीन्स को क्लीव करती है
जब भी हमें किसी पार्ट को या किसी चीज़ को पढ़ना है तो हमें उसको क्लीव कराना पड़ेगा ताकि वो चीज़ बाहर निकल सके। हम देखते हैं प्रोटीजेस से इंटरैक्ट कराने के बाद अभी भी इस प्रोटीन का एक मेजर पोर्शन इंटैक्ट रह जाता है, यानी कि वो टूटता नहीं है। आप उसको हाई सॉल्ट से 1.5 मोलर NaCl से भी ट्रीट कराते हो, पीएच 5 पर, एसिडिक पीएच पर भी रखते हो, तब भी ये प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पाता। तो आप बताओ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर क्या है। आप देखो बहुत सारे क्लूज इसमें थे। एक तो ये 7 टाइम पास हो रहा है, अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये कोई पेरिफेरल प्रोटीन तो है नहीं, पेरिफेरल प्रोटीन तो है नहीं, एक ही झटके में आपका आंसर आ जाना था। दूसरे भी और काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ से निकल कर आते हैं, जो सुबह मैंने आपको एक टेबल दी थी वहाँ पर सारे फीचर्स मेंशन थे। अब इतना ज़्यादा हाई सॉल्ट से बफर से ट्रीट करने के बाद भी ये डिसोसिएट नहीं हो रहा, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि ये मेम्ब्रेन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरैक्शन रखे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या इंटरैक्शन जो है वो रखे हुए हैं, जो कि केवल इंटीग्रल प्रोटीन ही रखते हैं, जिनको हम परमानेंट टाइप ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो इस केस में जो है वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखेगी, अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है उसमें बॉन्ड्स का ही रोल। सुबह सुबह हमने ये चीज़ पढ़ी है, एंड ऊपर से उसने 7 हेलिसेस बोलकर तो बिल्कुल आपका काम आसान कर दिया था, एंड और भी क्लूज थे। अब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो सेक्शन सी का क्वेश्चन है, पहली बात, चलो वो भी कोई बात नहीं, बी का होता तब भी मैं बताती, लेकिन आप ये देखो कि ये क्वेश्चन अलग तरीके से रीफ्रेम होकर भी आ सकता है। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज इंटीग्रल की इस क्वेश्चन के थ्रू ही इसने एक्सप्रेस कर दी है, राइट। 4 नंबर ऐड कीजिए अगर आपने आंसर सही किया है, अदरवाइज डिडक्ट 1 मार्क। वेरी गुड इवनिंग जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है। सेकेंड इसका सही ऑप्शन था, 4 नंबर कॉपी में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्लीज़ हैव अ लुक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अगेन देखें, सेक्शन सी का क्वेश्चन। आई कैन सी मेरे स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, होपफुली पूरा कंसेप्ट समझ के आप लोग आंसर कर रहे हो। ओके ग्रेट, एनीवन एल्स जो आंसर देना चाहे तो प्लीज दीजिए। ओके, क्वेश्चन सेक्शन सी का है। क्वेश्चन है स्विंगोलिपिड शॉर्ट फॉर्म में एस लिख दिया एंड कोलेस्ट्रॉल शॉर्ट में सी लिख दिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर एग्रीगेट इनटू मल्टीपल टिनी राफ्ट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज। सुबह ही लिपिड राफ्ट की बात हुई थी। लिपिड राफ्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता एंड बच्चे टॉपिक में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लिपिड का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है, ठीक है। राफ्ट को हम हिंदी में बेड़ा कहते हैं, बिल्कुल सिंपल हिंदी की अगर आप बात करोगे बेड़ा। और अब प्लेटफॉर्म, आप लोगों ने ऋषिकेश वगैरह में रिवर राफ्टिंग का नाम भी सुना होगा, जैसे लकड़ी का बेड़ा होता है। ऐसे ही जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो, बायो मेम्ब्रेन की बात करते हो, उसमें बीच बीच में पूरी की पूरी एज ए सिंगल यूनिट नहीं,
बीच बीच में छोटे छोटे राफ्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड लिपिड उनको बनाते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे माइक्रो डोमेन्स को, माइक्रो मतलब छोटा, डोमेन का मतलब होता है एक पार्ट या एक स्पेसिफिक एरिया, इन माइक्रो डोमेन्स को जो है वो लिपिड राफ्ट बोल दिया जाता है। अब इन लिपिड राफ्ट का काम क्या होता है, इन लिपिड राफ्ट का काम होता है इस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि हमें पता है अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो एक फ्लूइड डायनामिक स्ट्रक्चर है, बट उस चीज़ के साथ तो हम उसको छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि वो एक बैरियर भी है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये जो माइक्रो डोमेन्स या लिपिड राफ्ट है, इसमें स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल अगेन एक स्टेरॉयड है, ठीक है, जो कि एक मेजर स्टेरॉयड है, एज एन बायो प्रिकर्सर भी काम करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। कंसिडरिंग दैट कि एक सिंगल राफ्ट की जगह छोटे छोटे राफ्ट जो है बनी हुई है, आपको ये कंसिडर करना है दैट साइज ऑफ अ लिपिड राफ्ट, कि जो लिपिड राफ्ट का साइज है वो स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की एक दूसरे की एफिनिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको कंसिडर करना है। तो आपको बेस्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है कि इस प्रॉपर्टी को बेस्ट चीज़ चारों ऑप्शंस में से क्या डिफाइन करेगी। हाँ देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बता रही हूँ जो कि आपकी हमेशा काम आएंगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, स्पेसिफिकली CSIR, क्योंकि ये लैंग्वेज CSIR है। जब भी हमें बेस्ट बोला जाता है, हमें इस तरीके से बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म मिलती है, आप एक ऑप्शन के बजाय आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको लगता है अरे यार ये भी सही है वो भी सही है। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो दो ऑप्शंस पर आकर अटक जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि इसमें से क्या सही है, वो भी सही लगता है ये भी सही लगता है। बेस्ट वाली स्टेटमेंट में तो होता ही ऐसा है कि दो स्टेटमेंट आसपास होती हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली स्टेटमेंट्स में भी दो में अटक रहे हो तो आप समझ जाओ कि कंसेप्ट की क्लैरिटी कम है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। वही बच्चे अटकते हैं दो में जिनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, या डीप कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहला ऑप्शन है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर टाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर लिपिड मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऊपर बोला है कि भैया स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की एफिनिटी है फॉर वन अनदर एंड अदर लिपिड, उसने यूँ तो नहीं कहा बिल्कुल कि यही दोनों चिपक रहे हैं आपस में और से इनको कोई मतलब ही नहीं है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, लैंग्वेज ही वो चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ है स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर विद सेम एफिनिटी एज दे बाइंड टू अदर लिपिड स्पीशीज ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि जब वो स्पेसिफिकली ऊपर नाम उठा रहा है कि स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो है लिपिड बायलेयर के वो एग्रीगेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कोई तो कारण होगा, हजारों लोग होते हैं दुनिया में लेकिन हजारों के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं होती, जिसका मेंटल लेवल जिसकी मेंटल लेवल से मैच करता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी से या कॉम्पेटिबिलिटी मैच करती है, वही दो लोग आपस में मिलते हैं एंड आगे जो है प्रोसीड करते हैं किसी भी रिगार्ड में, बिजनेस के रिगार्ड में, एजुकेशन या किसी भी रिगार्ड में, तो वही चीज़ दूसरों के साथ वैसी ही एफिनिटी नहीं है, अगर होता तो स्पेसिफिकली इनका नाम नहीं लिया जाता। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू बाइंड्स टू वन अनदर विद हाई एफिनिटी, बिल्कुल सही बात है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, वी कैन कंसिडर दिस, क्योंकि अगर आप एक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो, आप मेम्ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंट्रा सेलुलर रीजन में भी पूरा का पूरा फ्रेमवर्क प्रेजेंट है, जिसको आप साइटोस्केलेटन बोलते हो, स्केलेटन ऑफ अ सेल, जो कि सेल के सारे ऑर्गेनल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हर चीज़ को अपनी जगह पर स्टेबल रखता है ताकि हर चीज़ प्रॉपरली काम कर सके। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हाँ अंडर सम इन्फ्लुएंसेस ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का स्टेबिलिटी के लिए इन्फ्लुएंस होता हो, बट हमें जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर इज स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की स्लाइटली ज़्यादा एफिनिटी है एक दूसरे के लिए एंड आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद देयर फ्री फॉर्म। जब वो फ्री फॉर्म में है, यानी कि स्फिंगोलिपिड्स अलग हैं, कोलेस्ट्रॉल अलग हैं, हम देख रहे हैं कि जो डायनामिक नेचर है उसको एक इक्विलिब्रियम, एक समांतर नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कठोर हो गया तो एकदम कठोर रिजिड है एंड फ्लूइड है तो बिल्कुल फ्लूइड है,
फ्लूइड में तो एक मॉडल है बट उसको भी एक अप्रोचेबल स्टेट पर रख रहे हैं. ये ऑप्शन एकदम सही था, ट्रू था, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा था पूरे के पूरे केस. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? गिव योर सेल्फ 4 marks अगर आपने कोई भी क्लू ढूंढ कर इसका आंसर किया. बट अगर आपने और एक्स्ट्रा चीज़ें समझी हैं तो बहुत ही बेहतर और अच्छी बात है. आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी चीज़ें चल रही हैं? सिर्फ हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. ऐसे हम मैं और भी बहुत सारे सेशन लेकर आने वाली हूँ. एक बार फटाफट से सभी लोग मुझे स्माइली दे दो, मुझे बता दो चीज़ें समझ में आ रही हैं. आई विल नॉट आस्क फॉर थम्स अप नाउ, मैं आपको बोलती हूँ एक बार मुझे स्माइली दे दो, अपनी सुंदर सुंदर स्माइल्स दे दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ जी आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है. मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों अच्छी काम कर रही है. चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है. आप देखिए सुबह भी हमने ये डायग्राम देखा था. ग्रेट ग्रेट, ये आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी दिख रहे हैं एंड दूसरे लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन इन दोनों की एफिनिटी एक दूसरे से बहुत अच्छी है. अब आप ये भी ध्यान रखना कि कोलेस्ट्रॉल की एंड स्फिंगोलिपिड्स की एफिनिटी एक दूसरे से अच्छी है, उसके पीछे भी उनका स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, उनका स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है. कोलेस्ट्रॉल में भी हम देख रहे हैं OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन है, स्फिंगोलिपिड्स का भी अपना पूरा एक स्ट्रक्चर है. अगर इन दोनों के बीच में कैसी भी एफिनिटी है या ये एक तरीके से एग्रीगेट में जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ये सब चीज़ें अलाउड करते हैं. ओके, 4 number ऐड कीजिए अगर आपका आंसर सही था, अदरवाइज 1 mark डिडक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी. प्लीज हैव अ लुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. Yes everyone, I can see variety of answers are coming. Please give me your answer everyone honestly. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर 2, 3, 4 तीन ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों ने. एनीवन एल्स जो आंसर देना चाहेगा प्लीज दीजिए. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर लाइव. ओके चलिए 2, 3, 4 ऑप्शंस आप लोगों ने दिए. क्वेश्चन देखिए एवरीवन. वन साक्षी ने 1 दे दिया. साक्षी ने बोला 1 आंसर रहना नहीं चाहिए, 2, 3, 4 ऑप्शन हमने दे दिए हैं, चलो 1 भी बोल देते हैं. चलिए देखते हैं किसका ऑप्शन सही है. ओके क्वेश्चन है,
ATP driven pump hydrolyze ATP to ADP and phosphate and use the energy released to pump ions or solute across the membrane. There are many classes of these pumps and representative of each are found in all prokaryotic and eukaryotic cells. Which of the following statements about these pumps is not correct? अब आपको सुबह याद होगा जब हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है ना फंक्शन तो यही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सके अब ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो हर एक सेल को है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो दोनों ही सेल्स को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है चीज़ों को अंदर बाहर करने के लिए अब ट्रांसपोर्ट में आप दो चीज़ें देखते हो ब्रॉडली कि एक तो जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी का नीड नहीं है ठीक है नॉर्मली चीज़ें पास हो जा रही हैं एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी की नीड देखते हैं ठीक है अब वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में भी हो सकती है या किसी आयन के या मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से भी चीज़ें मूव कर सकती हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आप दो चीज़ें पढ़ते हो एक आप क्या पढ़ते हो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक आप पढ़ते हो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो क्वेश्चन था वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से था जिसमें एटीपी एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है एंड यहाँ पर हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ते हैं पंप के बारे में पढ़ते हैं चार पंप के बारे में पढ़ते हैं पी टाइप बी टाइप एफ टाइप एंड चौथा होता है हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर एंड इसमें भी हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ठीक है अब मैं ये आपको बता दूँ सुबह भी मैंने आपको बोला था ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं डायरेक्टली पंपिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था एक एक स्टेटमेंट चारों पंप से रेलेवेंट अगर आप पी टाइप पंप की बात करते हो जिसका सबसे हिट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे जब आप लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जहाँ एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हो वहाँ पढ़ते हो भैया तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं वो पी टाइप पंप है एंड हम देखते हैं ये पंप क्या है सुबह पढ़ा था इंट्रिंसिक प्रोटीन एज एन पंप भी काम कर सकते हैं चीज़ों की पंपिंग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखो कि आयन्स की बात करोगे तो उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है चार्ज वाली चीज़ें हाइड्रोफोबिक कोर से मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो नॉन पोलर है ठीक है तो इसलिए स्पेशल बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो एज एन पंप चैनल कैरियर काम करते हैं तो हम देखते हैं तीन सोडियम बाहर जाते हैं जिसकी बजाय दो पोटेशियम अंदर आते हैं ठीक है एंड ये ज़रूरी है सेल की फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए साथ साथ हम देखते हैं एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एस्पार्टेट रेसिड्यू पर फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ये चीज़ एकदम सही दूसरी बोल रहा है एफ टाइप पंप नॉर्मली यूज प्रोटोन एच प्लस आयन ग्रेडिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू डिराइव सिंथेसिस ऑफ एटीपी ये भी एकदम सही है आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी थोड़े दिन पहले प्री क्लास ली थी एफ नॉट एफ वन एटीपी सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में पंप प्रेजेंट है ठीक है एंजाइम्स प्रेजेंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन इकट्ठे होते जाते हैं एंड जब वो अपनी जगह पर मूव करते हैं वापस से मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम रोटेट करती है एटीपी का प्रोडक्शन होता है ठीक है तो अगेन आप देख रहे हो ये भी H प्लस ग्रेडियंट को यूज कर रहा है एकदम सही है एबीसी ट्रांसपोर्टर अगेन आप देख रहे हो एबीसी ट्रांसपोर्टर एक बहुत बड़ी फैमिली है ट्रांसपोर्टर की इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग पढ़ते हो आप लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पी ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल पढ़ते हो कैंसर में भी पढ़ते हैं जिसका काम क्या होता है जिसका काम होता है कि अगर सेल के ऊपर एमडीआर प्रेजेंट है जो पहला एबीसी ट्रांसपोर्टर था
ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा कुछ, जिसका काम होता है जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को बाहर निकाल के फेंकना। इसलिए लीवर सेल्स पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लीवर सेल का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना लीवर का, कि टॉक्सिक चीज़ें नहीं इकट्ठी हो, शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही है। अगर टॉक्सिक चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी उस केस में हम लोग मर जाएंगे, ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। इसलिए लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी में भी, जब ब्लड हार्ट से बॉडी में आया, बॉडी ने ऑक्सीजन को यूज़ करा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट फेंका, वो दोबारा दिल के पास जा रहा है ताकि लंग्स के पास जा सके, वो एकदम से हार्ट के पास नहीं जाता, वो लीवर को क्रॉस करके जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होता है। गंदा खून दिल के पास नहीं भेज सकते, आपको इम्प्योरिटीज रिमूव करनी पड़ेगी। तो आप देखते हो जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वहाँ पर भी MDR का नंबर, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो कि इस तरीके का UGC ट्रांसपोर्टर है, उसका नंबर हाई होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसका ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपको पता था तब भी आप ऑड ऑप्शन तक पहुँच सकते थे या डायरेक्टली भी पहुँच सकते थे। वी टाइप पंप मतलब वैक्यूलर टाइप पंप, प्लांट में वैक्यूल्स पढ़ते हो आप लोग, जहाँ एसिडिक pH होता है क्योंकि वहाँ H+ ions ज़्यादा होते हैं। कोई वोल्टेज ग्रेडियंट यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा, H+ ions का ग्रेडियंट यूज होता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये अलग तरीके से पंप में से बाद में भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, 4 नंबर दीजिए खुद को अगर आपका आंसर 3 था, क्योंकि उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? सुबह ही हमने इस चीज का भी जिक्र किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अरे वाह इस पर दोबारा से ABC ट्रांसपोर्टर का रोल आ गया। बताइए, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 यूनिट से लिंक करता है, जो 2 यूनिट से लिंक करता है, यूनिट नंबर 2 से भी, यूनिट नंबर 4 से भी, दोनों से लिंक करता है। अगर आपको यूनिट 2 की भी क्लैरिटी है तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कीजिए सभी के सभी। Anyone else जो आंसर देना चाहे प्लीज आंसर दीजिए। सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये। ओके, आई गेस जितने स्टूडेंट्स चाह रहे हैं वो आंसर दे चुके हैं, बाकी अभी सोच रहे हैं। 30 seconds मोर बच्चों। चलिए
चलिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर 2 दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर 4 दिया है। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 2 आप में आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो, यूनिट नंबर 4 में आप सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग पढ़ते हो। अगर आपके सेल बायो के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कम्युनिकेशन सिग्नलिंग भी बहुत अच्छे से आता है। प्लस में भी मैं पढ़ाती हूँ तो पहले यूनिट 2 पढ़ाती हूँ, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पर हम मूव करते हैं। अभी यूनिट 2 चल रहा है एंड कुछ ही दिनों में यूनिट 4 भी शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें लिंक हैं एंड कंबाइन होकर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर सक्सेसिव सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, लगातार हुई सर्जरीज एंड कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट थी उनका ट्यूमर जो है वो सबसाइड हो गया, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज का भी इम्पॉर्टेंट रोल आता है। अगर आप लैंग्वेज अच्छे से समझते हो, डिकोड कर सकते हो, तब भी आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना है। बोल रहा है ब्रेस्ट कैंसर जो था पेशेंट का वो खत्म हो गया लगातार हुई सर्जरीज और थेरेपीज की मदद से। क्योंकि कैंसर में कभी भी आप एक इलाज नहीं करते हो, कॉम्बिनेशन में आप इलाज करते हो, ठीक है, दवाइयाँ भी देते हो, थेरेपी भी होती है, सर्जरी भी होती है। लेकिन लगभग 5 सालों के बाद हम देखते हैं कि जो ट्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मैनर में वापस आया एंड उससे पहले जितने भी कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज हो चुकी थी उसके प्रति किसी भी कोई भी थेरेपी के प्रति उस पेशेंट ने या कैंसर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसा क्यों, क्या कारण हो सकता है, उसके लिए कुछ पोस्टुलेशन लिखी गई, आपको सही पोस्टुलेशन बताने। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी थी। अब आप देखो इसमें कैंसर का डायरेक्ट कंसेप्ट था, लेकिन अगर आपको सिर्फ सी ऑप्शन पता होता कि अभी, और लकीली मैंने ये अभी अभी बताया भी, हाई एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट, क्योंकि आप पंप में एटीपी का रोल देख रहे हो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्सप्रेसिंग सेल्स परसिस्टेड इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, जो मैंने अभी आपको बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। नॉर्मली आप देख रहे हो तो लेट से ये 2 प्रेजेंट, ठीक है, जो नॉर्मल जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को, फॉरेन चीज़ों को बाहर फेंक रहे हैं। अब अगर कैंसर होता है तो हम देखते हैं ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन, हाई लिखा हुआ है ना, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट है। अगर ओवर एक्सप्रेशन इसका हो रहा है एंड आप ऊपर से दवाइयाँ दे रहे हो, कौन सी दवाइयाँ, कैंसर को ख़त्म करने की दवाइयाँ है ना, कीमोथेरेपी में जो दी जाती हैं। अब ड्रग्स जो है उसको सेल्फ तो ट्रीट करेगा नहीं, उसको फॉरन ही ट्रीट करेगा। ट्रांसपोर्टर्स का काम है फॉरन चीज़ को या फॉरन मटेरियल को बाहर निकाल कर फेंक देना, उसको वापस से एब्जॉर्ब नहीं करना, वापस से जो है ब्लड स्ट्रीम में फेंक देना या दे देना। इसी वजह से कोई भी थेरेपी काम नहीं दे रही है, इसी वजह से कोई भी थेरेपी काम नहीं दे रही है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, जिसको पी ग्लाइकोप्रोटीन भी बोला जाता है, जो कि एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का ही एक मेंबर है, कैंसर सेल में इसका एक्सप्रेशन बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, ये एकदम सही था एंड इसी से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप कैंसर पढ़े हो या नहीं पढ़े, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैमो रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो बचते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, कॉमन शब्द है। कीमो रेजिस्टेंट सेल्स जो है वो परसिस्ट कर रहे थे, प्रेजेंट थे ट्यूमर में इवन आफ्टर थेरेपी, कैंसर पेशेंट की थेरेपी हुई थी, थेरेपी के बाद सब कुछ सही हो गया, लेकिन कुछ सेल्स अभी भी क्विसेंट स्टेज में थे, वो इंतज़ार कर रहे थे ग्रोथ फैक्टर समय मिले हम डिवाइड करें, जी नॉट स्टेज में थे, ठीक है, एंड वो रह गए थे, जो कुछ समय के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन जब मिला, फैक्टर्स मिले, कंडीशंस मिली, मॉलिकुलर सिस्टम बदला, वो रिलैक्स हो गए, दिस इज करेक्ट। अब पॉपुलेशन ऑफ क्विसेंट सेल, क्विसेंट स्टेज कौन सी बोलते हैं, जी नॉट स्टेज बोलते हैं, कि भाई रेस्टिंग फेज है, डॉर्मेंट फेज है, अभी एनवायरमेंट में से कंडीशन ग्रोथ फैक्टर सिग्नल प्रॉपर नहीं है, इसलिए डॉर्मेंट स्टेट में चीज़ बनी हुई है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो सेल डिवाइड होने लगेगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, ट्यूमर सेल्स बन जाएंगे, राइट, यस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो थोड़ा सा लंबा आपको हो सकता है ये क्वेश्चन लगा हो, लेकिन बिलीव मी 15 सेकेंड का ये क्वेश्चन था। अगर सिर्फ आपको सी ऑप्शन का अंदाज़ा था
आपको राइट. एंड देखो डी ऑप्शन पढ़ो, एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन है. ब्रेस्ट ट्यूमर सेल्स विच मे हैव माइग्रेटेड टू अदर टिश्यूज, कि भाई जब थेरेपी हो रही थी तो ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो अदर जगह माइग्रेट कर गए एंड जब थेरेपी खत्म हो गई तो वो वापस से अपनी जगह पर आ गए. नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर. चार नंबर आप ऐड कीजिए इस क्वेश्चन के लिए. एंड प्लीज आयुष की बात भी सुनिए, लाइक कीजिए सेशन को अगर आपको लगता है कि लाइक होने के लिए काबिल है सेशन. यू फील इफ यू फील. चलिए सेकेंड इसका राइट आंसर था, चार मार्क्स ऐड कीजिए अगर आपका आंसर सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, दिस इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी. सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए एंड सॉल्व कीजिए. Some are saying 2 as an option, some are saying 3 as an option. चलिए देखते हैं everyone. Question को decode करते हैं. Which of the following statement regarding membrane transport is false? यानी कि आपको false statement देखनी है. पहली statement की तरफ देखिए. Polar, यानी कि जहाँ पर charge है and charge solute will not cross cell membrane effectively without specific protein carrier. आज सुबह ही आपको permeability पढ़ाई थी एंड बताया था कि जो पोलर चीज़ें हैं आपने देखा था वो वापस से टर्न बैक हो रही थी, क्रॉस नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको स्पेसिफिक प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्रॉस करें, क्योंकि बीच का कोर हाइड्रोफोबिक है. ये एकदम सही स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं. Each protein carrier will only bind and transport one type, one or a few very similar type of zones. आप carrier proteins के बारे में अगर बात करते हैं, आपको सुबह पढ़ाया integral proteins, carrier, channel, pump, receptor सबकी तरह काम कर सकते हैं. carrier मतलब carry करने वाला. क्या carry करेगा? Solute को carry करेगा. क्यों कैरी करेगा? क्योंकि वो सॉल्यूट बेचारा खुद नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, उसको फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा. जो डिफ्यूजन में आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हो, उसमें आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, चैनल के बारे में, चैनल प्रोटीन्स के बारे में, एंड दूसरा आप पढ़ते हो कैरियर प्रोटीन्स के बारे में. कैरियर मतलब कैरी करने वाला, चैनल मतलब जो चैनलाइज कर दे चीज़ों को. अब कैरियर प्रोटीन्स में भी आप दो टाइप देखते हो, एक आप यूनिपोर्टर देखते हो, एक आप को ट्रांसपोर्टर देखते हो जिसमें आप एंटीपोर्ट सिमपोर्ट पढ़ते हो. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही थी. एक प्रोटीन कैरियर एक टाइप से या फिर उसके जैसे सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूट से बाइंड करता है, यूनिपोर्टर अगर वो है तो, एंड यूनिपोर्टर होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट आपको देखने से, शुगर सच एज ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेदर देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हो. देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के फैमिली नहीं पढ़ते हैं. ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5 ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराते हैं. तो बिल्कुल होता है, इसने बोला नहीं होता, इसने
इसने बोला केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप दो चीज़ें देख रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में अभी हमने पंप के ऊपर क्वेश्चन था, ये जो सेकेंडरी है इसमें हम को ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, जिसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का, कि भाई सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस में आता है, सुबह एक टेबल दी थी, पैसिव में आता है, इससे भी होता है, दोनों से होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट एकदम सही थी, आयन्स आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाई स्पेशल प्रोटीन्स दैट फॉर्म मेम्ब्रेन चैनल्स। हाँ जी, क्योंकि आयन्स के ऊपर तो चार्ज होता है, वो खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, इसलिए चैनल प्रोटीन, वोल्टेज, मैकेनिकल, गेटेड, लाइगेंड, ये सारे चैनल प्रोटीन मदद करते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अच्छा और सीखने वाला क्वेश्चन। दीजिए दो नंबर खुद को अगर आपका आंसर थ्री था। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। प्लीज हैव अ लुक, यूज योर माइंड, यूज द ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक एंड आंसर इट। बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमने ऑर्गेनाइज कंप्लीट किए थे, वहां से भी क्लू आपको जरूर मिलेगा। ओके एवरीवन, गुड, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है इसका, एंड होपफुली कुछ और स्टूडेंट्स भी देना चाहिए तो दे सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। वन हाईली, ये भी मिक्स क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सेल बायो का भी कंसेप्ट है, आप यूनिट नंबर फोर्थ में होस्ट एंड पैरासाइट इंटरेक्शन पढ़ते हो, उसका भी कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि आप उसमें भी ये चीज़ें पढ़ते हो। वन हाईली पैथोजेनिक डीएनए वायरस एंटर करता है होस्ट सेल, क्योंकि पता है वायरस को जो है एज अ लिविंग एंटिटी बनने के लिए होस्ट सेल की जरूरत है। किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर चीजें आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोस्कैलेटल रीजन में होता है। फॉलोड बाय सेल लाइसिस, अपना नंबर रेप्लीकेट करके सेल जो है लाइस कर जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। आपके पास ड्रग है, दवाई है, आप किस चीज़ को ब्लॉक करोगे ये आपको बताना है, कि दवाई ड्रग कैसे काम करेगी। क्या आप माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट को रोकोगे? बिल्कुल भी नहीं, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं था, हमें तो न्यूक्लियस के बारे में बात करा हुआ है उसमें, तो बी तो आपका एक झटके में कट जाना था। ये दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो, एसिडिफिकेशन ऑफ वेसिकल्स, क्योंकि वेसिकल्स का पीएच कम होगा तभी उसके पार्ट्स डिसोसिएट होंगे एंड मशीनरी को वो यूज़ करेगा ताकि वो रेप्लिकेट कर सके। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रोकोगे या एक्सोसाइटोसिस? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रोकोगे, क्योंकि जब तक चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आएंगी न्यूक्लियस से, तब तक वो लाइट नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस से चीज़ें एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए, ये भी आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हो, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट बाय डायरेक्शन, ये चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं। चार नंबर का एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर थ्री, राइट एवरीवन? होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए तो बताइए आप लोगों ने आज कितना स्कोर किया, एक बार काउंट करते हैं कितने टोटल मार्क्स हुए हैं। 4, 6, 10, 14, 18, 22, 22 and 26 and 28.
आउट ऑफ 28 बच्चों बताओ आप लोगों ने कितना स्कोर किया, एंड होपफुली आपने चीज़ें सीखी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को सिखाना। आउट ऑफ 28 कितना स्कोर किया बताइए सभी के सभी कैलकुलेशन से। मेक श्योर सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र जरूर ज्वाइन करें। गुरु मत डालना, कुछ नहीं मिलेगा। यही मेरा यूट्यूब चैनल है एंड यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, GURMANTRA गुरु मंत्र। एवरीवन जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम जाती रहे। राइट, 26, 25, 23, 25, 24, 24, ओके आई कैन सी अ फेयर स्कोर। मतलब चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने समझी हैं एंड यू पीपल आर इम्प्रूविंग। होपफुली ऐसे ही आप लोग इम्प्रूव करके आगे बढ़ते रहो। यस, गुड, सबके टू की लाइन में ही है। ओके प्रिया, डेफिनेटली आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। नए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, किसी भी बच्चे को प्लस ज्वाइन करना है वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है। मेरे टेलीग्राम पर मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि और क्लासेस का भी आप बेनिफिट ले सकें। प्लान अलग अलग है, आप किसी भी कैटेगरी के बारे में बात करें, आपका कोई फ्रेंड या भाई बहन भी अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे किसी और कैटेगरी का, तो आप मेरा रेफर कोड नेहा यूज़ कर सकते हो, ताकि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए। एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जो है, प्रोटीन सिंथेसिस का सॉर्टिंग का क्लास भी आगे होगा। सिंथेसिस तो ट्रांसलेशन है रोशनी, अभी तो हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी नहीं। राइट, ओके मन, ओके एवरीवन, होपफुली थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, कब करोगे? अगर अभी नहीं किया तो कब करोगे, है ना? चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून बच्चों, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज लाइक द सेशन एवरीवन। That's the biggest support from your side. Thank you so much. Okay, bye.